अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इमदाद। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़ का मजीद मकसद बनाने के लिए आप लोगों के सिस्टम और कंट्रीब्यूशन की जरूरत है। सो गाइस, प्लीज ज्यादा से सिस्टम कंट्रीब्यूशन करें ताकि ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को वजह से दिलचस्प और मकसद बन सके। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए मुख्तलिफ टॉपिक टीचर मूवीज पर लेक्चर कराता हूँ। आज भी मैंने अपने दोस्तों के लिए एक जबरदस्त वीडियो सेलेक्ट किया है, उम्मीद है कि मेरे दोस्तों काफी अच्छी लगेगी। सो गाइस, आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहा हूँ, उसका नाम है अश्विनी गणपत। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की मेरी। जो ये वीडियो है वो इंडियन ट्यूबरी के हवाले से है, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी। वो उन्हें काफी अच्छी और पसंद भी आएगी, क्योंकि ये गणेश जी की हिस्ट्री के बारे में है। तो आप प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए घंटी के बटन को टच करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कितनी आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन किस प्रकार से गणेश जी का पूजन करना चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे सविस्तार कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। ये सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा कि हे माते, सिद्ध की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग करके गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन आदि करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूध का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज हस्तगत होता है। एक बार की बात है कि वाणासुर पुत्री उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, किसी के साथ मेरा पाणि ग्रहण भी हुआ था। हे सुजगने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले इसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके विरह में मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। अपनी सखी की ये बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुँची। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में वाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी खिन्न मन से भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है? मैं आपके सामने शोकवश अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत कह डाला। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया, वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग में बहुत दुख का सामना कर रही है। कृष्ण जी की ये बात सुनकर के महर्षि लोमेश ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। ये बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कहे अनुसार व्रत किया और हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया।
भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस सफलता का कारण व्रत का प्रभाव था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत का महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथा तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। तो ये थी अश्विन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। नमो नारायण। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो अश्विन चतुर्थ की, जो हिस्ट्री उनकी कुछ बातें जो उनके अंदर कुछ थी वो बातें, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। आई थिंक अच्छी अच्छी ही होंगी जो जो भी उन्होंने बताया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने भी बताए कि क्योंकि मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, तो इन्होंने ज़्यादा बातें हिंदी में की थी, तो मुझे कुछ समझ आया कुछ नहीं। ये मैंने इसलिए आपके साथ ही शेयर की कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा यार अपने गाइस के साथ शेयर की जाए। और एक जैसे कि उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को अच्छी लगी हो। अगर आप मुझे इस वीडियो के मुताबिक कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पर रिएक्शन दूँ, अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता सकते हैं। और इस वीडियो के मुताबिक भी कुछ कमेंट कीजिएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हाफ प्लीज़।